गवर्नमेंट ऑफ J&K ने रिवाइव के लिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका पार्ट ये बस बोट है। ये बस बोट जो है ये पैसेंजर कैरी करने के लिए फ्रॉम रिवर वन एंड टू अदर, इसको ये कम्यूट करने के लिए, पैसेंजर कम्यूट करने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसका हम पार्ट हैं। अभी जो इनिशियली गवर्नमेंट ने ये 3 बोट्स मंगवाए थे और इसको ये जो बोट है इसको इस तक पहुंचने के लिए, इस तो अप्रोच के लिए इन्होंने फ्लोटिंग डॉक्स बनाए थे। वो 6 जगह इन्होंने अथवाजन से छतरबल्ला 6 जगह इन्होंने स्टॉपेज रखा हुआ है। वो हमने पहले एग्जीक्यूट किया था लास्ट ईयर, इस साल हमने इनको अभी तक 3 बोट्स दिए हैं, जिसका ये बस बोट है इसकी 30 पैसेंजर्स कैपेसिटी है। इसके बाद हमने एक रेस्क्यू बोट दिया हुआ जो इसके साथ साथ होगा, और तीसरा हमने इनको एक VIP पंटून बोट दिया हुआ है। देखिए, वादी कश्मीर में एक मरतबा फिर कई दहाइयों बाद आबी ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की दाम भी बहुत हद तक बढ़ गए हैं। आम लोगों का तो गाड़ियों में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, और इससे जो मिनटों के सफ़र को घंटों का अरसा लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और इसके अलावा इससे सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा, क्योंकि जितना हम अभी वसाइल को इस्तेमाल करेंगे इस कदर सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा।